हेलो दोस्तों, हमारे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम अंजलि बिरला की सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे। अंजलि बिरला ने जो अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस परीक्षा को पास कर लिया है, उनकी सफलता की कहानी आपको बताएंगे। अंजलि बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी है, जो अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली। 4 अगस्त 2020 को यूपीएससी ने परिणाम घोषित कर दिया था। 2019 के सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में अंजलि ने अपने पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर लिया। इस परीक्षा को पास करने के लिए अंजलि दैनिक रूप से 10 से 12 घंटे अध्ययन किया करती थी। साथ ही अंजलि को दीदी का पूरा सपोर्ट मिला था। अंजलि की दीदी उसे अध्ययन के समय मदद करती थी, साथ ही भारत का सबसे बड़ा चयन परीक्षा के लिए मोटिवेट भी करती थी। अंजलि ने अपने चयन का श्रेय अपनी दीदी को दिया, क्योंकि उन्होंने अंजलि की काफ़ी मदद की थी। इसके अलावा अंजलि को पूरा परिवार का पूरा सपोर्ट मिला था। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी उम्र 6 जनवरी को 23 वर्ष की हो चुकी है। अंजलि के पिता ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक प्रमुख नेता है और लोकसभा के स्पीकर भी है। उनकी माता अमिता बिरला एक डॉक्टर है तथा बड़ी दीदी आकांक्षा एक सीए हैं, जिन्होंने अंजलि की बहुत सहायता की थी। अंजलि ने अपने स्कूल की पढ़ाई कोटा के सोफिया स्कूल से की थी। यहीं से कला आर्ट्स समूह लेकर अपनी 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। इसके साथ साथ वह अन्य क्रियाकलापों में भी अच्छी थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स किया। इसके पश्चात वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुट गई। परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, इसी कारण से अंजलि भी अपने परिवार की तरह सिविल सेवा द्वारा लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस राह को चुना। उन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। दिन में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई किया करती थी तथा दीदी भी अपने तरफ से थोड़ी बहुत मदद देती थी। कड़ी मेहनत के पश्चात 2019 में अंजलि ने सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया। 4 अगस्त 2020 को यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें अंजलि का नाम भी शामिल था। माता पिता तथा दीदी तीनों अपने अपने पद पर लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। इसी से प्रेरित होकर लोक सेवा आयोग के पदों द्वारा अंजलि भी जनसेवा करना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना चाहती थी। वो कला समूह आर्ट्स में अध्ययन कर रही थी, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही हो चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने राजनीति विषय पर की। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जुनून इस प्रकार था कि वो प्रतिदिन 10 से 12 घंटों की पढ़ाई करती थी। परीक्षा के मेहनत जारी थी। यूपीएससी की परीक्षा को भारत का सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है तथा इस परीक्षा के तैयारी के लिए हमेशा मोटिवेट रहने की आवश्यकता होती है। मोटिवेट रहने के लिए बड़ी दीदी हमेशा अंजलि की मदद करती रहती थी। अंजलि को पूरा परिवार के तरफ से पूरा सहयोग मिला। 28 साल की कड़ी एवं निरंतर परिश्रम के पश्चात उन्होंने 2019 में यूपीएससी की परीक्षाएँ दिलाई। परीक्षा के तैयारी के लिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस विषय चुना था। उनका सबसे प्रेरणा का स्रोत उनके पिताजी थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दिलाने के बारे में सोचा। पिता के 18 घंटों के निरंतर कार्य को देखकर अंजलि को पढ़ाई करने का प्रेरणा मिलता था। 4 अगस्त 2020 को सिविल सेवा परीक्षा आयोग ने यूपीएससी की रिजल्ट घोषित की। 4 जनवरी 2021 को 89 लोगों की एक सूची जारी हुई, जिसमें अंजलि का नाम भी शामिल था। अपने पहले ही प्रयास में अंजलि ने
यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर ली। दूसरे लिस्ट में अंजलि का नाम आया। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पूरा परिवार का सहयोग रहा। उनकी दीदी तथा माता दोनों अंजलि की सारी सुविधाओं और ज़रूरतों का खास ख्याल रखते थे। अंजलि की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। अंजलि बस दिन भर पढ़ाई करती थी। वो शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल थी तथा उनकी कठोर परिश्रम उन्हें ये बड़ा सफलता दिलाई। दोस्तों, आपको अंजलि बिरला की कहानी, उनकी सफलता की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।